So next is replace, which is very rarely used. सिंपल फंक्शन, वी हैव टू पास टू करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर की जगह दूसरा करेक्टर जहां जहां पे भी है रिप्लेस कर देगा. जैसे कि यहां लिखा है सेलर डेन रिप्लेस ई कॉमा ओ, तो जहां जहां ई है वहां वहां ओ आ जाएगा. तो यहां सेलर में सी ई का ओ हो गया, डेन का डी ई का ओ हो गया. ठीक है, यह एक दूसरा एग्जाम्पल है टी डब्ल्यू ओ टू डॉट रिप्लेस डब्ल्यू कॉमा ओ, तो दैट बिकम्स टी ओ ओ. अब ये W एक बार आए या चार बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर है इक्वल्स फंक्शन. टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स वी डू नॉट यूज डबल इक्वल टू साइन, वी यूज स्ट्रिंग फंक्शंस. देयर इज अ इक्वल्स फंक्शन विच इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग इक्वल्स. दिस रिटर्न्स True and false. All the functions are case sensitive. ठीक है, जब तक कि वहां कहा नहीं गया कि case sensitive नहीं है, तब तक सारे function आप मान के चलेंगे कि case sensitive है. तो true return करेगा अगर string exactly same है, otherwise return करेगा false. Exactly same means case also. ठीक है, अगर हम लिखे यहां पे राम और दूसरे में लिखा है small r, तो दिस आर नॉट आइडेंटिकल, इट विल गिव फॉल्स. बट इन अदर केस इफ यू डोंट वॉन्ट गो फॉर केस सेंसिटिविटी, आप चाहते हैं कि दो सेम चीज लिखी हो और वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का डिफरेंस ना लगाए, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल्स इग्नोर केस. ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस में कोई दिक्कत नहीं. जैसे एग्जाम्पल दे x डॉट इक्वल्स इग्नोर केस एग्जाम, x में क्या एग्जाम ही स्टोर है, तो यहां पे e कैपिटल है दूसरे में स्मॉल है, तब भी आंसर ट्रू आ रहा है. बट यही चीज अगर हम इक्वल्स लिखते हैं तो आंसर आता है फॉल्स. अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन कंपेयर टू. देखिए बच्चे, इक्वल्स फंक्शन ने बता तो दिया आइडेंटिकल है नहीं आइडेंटिकल है, पर ये नहीं जान पाएंगे कि कौन पहले आता है लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, कौन बाद में आता है. तो अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि लेक्सोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन से स्ट्रिंग पहले है कौन से स्ट्रिंग बाद में है, तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे कंपेयर टू फंक्शन. कंपेयर टू फंक्शन कैसे काम करता है, इट कंपेयर्स कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. ठीक है, स्ट्रिंग को कैसे कंपेयर करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. तो यहां पर कैसे वर्क कर रहा है, हम ये जानते हैं नॉर्मली कि यहां पर इस डेफिनेशन को आप पढ़े कि भाई अगर जो है स्ट्रिंग एस वन लेस देन एस टू है तो आपका लेस देन जीरो आएगा. ठीक है, ये लेस देन जीरो आया क्या, स्ट्रिंग एस वन एस टू से पहले आती है डिक्शनरी ऑर्डर में. अगर एस ग्रेटर देन जीरो आएगा अगर एस वन एस टू के बाद में आती है, और जीरो आएगा अगर आइडेंटिकल है. बट हम ये कहें कि भाई लेस देन जीरो वैल्यू आएगी क्या, व्हाट विल बी दैट वैल्यू, सो वो कैसे काम होता है उसको बात करते हैं. यहां लिखा है स्ट्रिंग एक्स में ट्रैक, स्ट्रिंग वाई में लिखा ट्रिक. तो जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. पहला कैरेक्टर टी है, दोनों का सेम है. दूसरे आर है, दोनों के सेम है. तीसरा है ए और उसमें है आई. तो क्या करेगा, ए के एस्काई कोड में से आई का एस्काई कोड माइनस कर देगा. ठीक है, और आप चाहें तो काउंट कर सकते हैं. ए को छोड़ दीजिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई, एट आएगा. पर ए क्योंकि पहले आता है इसलिए माइनस में आया. ए का स्काई कोड 97 होगा और आई का जो भी होता हो. अब दूसरा एग्जांपल लिखा जय जगत, तो यहां जे ए दोनों में मैच कर रहा है, पर पहले में आई है दूसरे में जी है, तो स्काई कोड ऑफ आई माइनस स्काई कोड ऑफ जी. अब आई बाद में आता तो उसका स्काई कोड जी से बड़ा होगा, इसलिए आंसर क्या है, पॉजिटिव. ठीक है, और तीसरा एग्जांपल तो बहुत ही अच्छा है, कैट डॉट कंपेयर टू केटाइन. तो यहां तो कैट और कैट मैच कर रहा है, मिसमैच के तो कुछ मिला ही नहीं और एक स्ट्रिंग हो गई खत्म. तो जब कंपेयर करते करते मैच होते होते स्ट्रिंग ही खत्म हो जाए तो वो क्या देता है, लेंथ का डिफरेंस. ये माइनस थ्री कैसे आया, माइनस थ्री ऐसे आया कि लेंथ ऑफ कैट इज थ्री
एंड लेंथ ऑफ केटायन इज 6, तो इट इज 3 माइनस 6. सो कंपेयर टू इज वर्किंग दिस वे. ठीक है, जस्ट सी, मैंने लिखा एल यू सी के लक डॉट कंपेयर टू लखनऊ. So here this we start comparing character by character. So first character is same, second character is same, third character is same, fourth character is same. Abhi kya bacha? Ye to bacha hi nahi. To abhi iska scene kya banega? The length of luck is 4 and Lucknow is 7. The result will be 4 minus 7 equal to minus 3. Okay. Now if I take EIGHT dot compare to EAT. Now the first character is same, second character is a mismatch. So SKI code of I. A B C D E F G H I. 73. SKI code of I is 73. SKI code of A is 65. Result is 8. All right. Now, if I reverse it, if I write eat dot compare to eight. So now it will be 65 minus 73, 8 minus 8. Is this clear now, children? Right. So this is clear now. So we can move ahead. Then next function is concatenate, concat, which is very rarely used. Nobody is using it. Okay. Because this work can be done by plus operator very easily. So a concat function will join two strings. X dot concat Delhi will make it new Delhi. Even the space is given the example. Yes, pehla unmatch compare to mein pehla hi unmatch character ko hum dekhenge. Baki jab mismatch ho gaya jis point wahi pe ho gaya. Uske aage phir compare karne ki zarurat nahi hai. Theek hai? तो यहां पे स्पेस नहीं आएगा. एक्स डॉट कॉन्केट, अच्छा डेली के बाद पहले स्पेस दिया है तो स्पेस आएगा, नहीं दिया है तो नहीं आएगा. यहां पे दिया हुआ है तो आ रहा है. ठीक, अब ये अगला एग्जांपल प्लस वाला बड़ा अच्छा है. हेलो वर्ड एक्स प्लस वाई दोनों स्ट्रिंग है, ज्वाइन हो गया, नो प्रॉब्लम. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर 4 + 2 + 2 = 22 हो गया. स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, स्ट्रिंग प्लस इंटीजर विल कॉनकैट एंड गिव द रिजल्ट एज स्ट्रिंग. तो ये 4 + 2 बिकम 4 2, देन प्लस 2 विल मेक इट अगेन. ये स्ट्रिंग है तो फिर प्लस 2 से फिर ज्वाइन हो गया. बट जबकि अगले एग्जाम्पल में 4 + (double quotes) के बाद 2 + 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में प्रेसिडेंस चेंज हो गया, तो यहां पहले 2 + 2 इंटीजर का एडिशन होगा तो आंसर आएगा 4. ये तो क्लास 10th में होता है, बहुत बार करते हैं. सेम इन द नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो, यहां पे ये आंसर और एन रिजल्ट देंगे स्ट्रिंग में, और जब स्ट्रिंग में तो फिर ये डी है तो फिर से रिजल्ट आएगा स्ट्रिंग. स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, स्ट्रिंग प्लस डबल स्ट्रिंग प्लस एनीथिंग इज स्ट्रिंग ओनली.
और वो करेगा कॉनकैट। किसी स्ट्रिंग में स्पेसेस हैं आगे और पीछे, लीडिंग एंड ट्रेलिंग, उसको हम करना चाहते हैं रिमूव। तो दिस एडिशनल स्पेसेस कैन बी रिमूव्ड, लीडिंग एंड ट्रेलिंग बोल रहा हूं, बीच के नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रिम फंक्शन। ठीक है, ट्रिम फंक्शन कैन बी यूज। तो सपोज हमने यूजर से इनपुट लिया और हमें लगता है कि यूजर ने अननेसेसरी स्पेसेस दे दिए होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करके तब आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, फिर हमें ये जैसे इक्वल्स फंक्शन था वो चेक करा था आइडेंटिकल है कि नहीं, पर हम ये चाहते हैं कि भाई कोई स्ट्रिंग हम देखना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है कि नहीं। तो टू रिटर्न, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए स्पेसिफिक स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल सेल वॉल्स स्टार्ट विद सेल, सेल वॉल स्टार्ट हो रहा है सेल से, मैच हो रहा है, परफेक्ट मैच, तो आपको ट्रू देगा नहीं तो फॉल्स देगा। सेम वे एंड्स विद ऑल्सो, कि भाई कोई स्ट्रिंग है वो किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से एंड होती है कि नहीं। चौकोबार एंड्स विद बार, तो चौकोबार में बार आया एंड में, तो ट्रू आया नहीं तो फॉल्स आएगा। साइंस इज अ फन, तो यहां पे साइंस इज अ फन कि एंड में फन आ रहा है तो ट्रू आया। और किसी स्ट्रिंग में को हम पूरे लोअर केस में अपर केस में बदलने के लिए क्या यूज करते हैं, टू लोअर केस फंक्शन या टू अपर केस फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमने ये एक्स में एक नॉलेज लिखा है, कुछ स्मॉल लेटर है, कुछ कैपिटल लेटर है, तो अगर हम एक्स डॉट टू लोअर केस करें तो ये डिस्प्ले करेगा नॉलेज, पर क्योंकि एक एग्जांपल यहां देते हैं आपको एक चीज, मैंने कहा स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू ए बी सी, मैंने कहा स्ट्रिंग y इक्वल टू एक्स डॉट टू लोअर केस, नाउ इफ आई डिस्प्ले x, एंड y, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, x a b c और एबीसी, यहां देखिए एक्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके वाई में स्टोर किया गया, सो एक्स विल रिमेन एज इट इज। एक्स को लोअर केस में कन्वर्ट करके जब तक एक्स में ओवरराइट ना किया जाए, एक्स विल रिमेन इन दैट केस ओनली, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। ये छोटी सी बात है, अगर कोई बच्चा सोचे कि हम एक्स और टू लोअर केस लिख दे रहे हैं, एक्स लोअर केस में हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये लोअर केस से कन्वर्ट करके रिटर्न करता है, what it do, it returns in lower case, so where the return value you are storing that will become in lower case, same thing is applicable for upper case also। ठीक है, value of function, string dot value of function, character, integer, double, float, byte, short type की कोई value है और आपको लगता है इस पे प्रोग्राम बनाना है, जो नंबर बेस्ड कोई प्रोग्राम आया, आपको लगता है अगर ये स्ट्रिंग में होता तो बहुत इजीली कर लेते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ से, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी भी इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, किसी भी डबल टाइप ऑफ वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि एक नंबर में कितने डिजिट हैं, नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, तो आपने कहा ओके आई एन टी एन इक्वल टू 4786 लिखा हुआ है, सॉरी ये इंटीजर है, मैंने कहा स्ट्रिंग एक्स इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एन, तो क्या बन गया ये एक्स एक स्ट्रिंग बन गया, तो हम यहां कह सकते हैं एसओपी एक्स डॉट लेंथ। ठीक,
बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस इंटीजर को एसटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कोई जरूरी नहीं आप वैल्यू ऑफ फंक्शन का यूज करें। मैं इसकी जगह एक काम और कर सकता था, मैं लिख सकता था x इक्वल टू एन प्लस डबल कोट्स विदाउट लीविंग एनी स्पेस, या मैं ये लिख सकता था n प्लस डबल कोट्स डॉट लेंथ। ठीक, पता होना जरूरी है कि भाई वैल्यू आपसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। अब x स्ट्रिंग में आपने कन्वर्ट करके डाल दिया नंबर और स्ट्रिंग को, x स्ट्रिंग में आ गया। अब आप उसकी लेंथ निकालें या उसकी डिजिट एक्सट्रैक्ट करें तो आप कैरेट से निकालें, पर ध्यान रखिए वो आप कैरेक्टर फॉर्म में निकलेगी, स्ट्रिंग फॉर्म में नहीं रहेगी। टू कैर अरे फंक्शन बहुत ज्यादा यूज तो आपके आएगा नहीं, बिल्कुल इसका अपोजिट है। जैसे आपने शुरुआत में हमने किया कि ये जो कैरेक्टर एरे थी ना, ये कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में स्टोर करा था, ये बिल्कुल इसका रिवर्स प्रोसेस है। किसी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना तो उससे आपको बहुत ही रेयर यूज करना पड़ेगा, फिर भी है तो यूज कर बताते हैं आपको। ठीक है, ये आपने जैसे लिखा स्ट्रिंग str इक्वल टू ब्लू जे str डॉट टू कैर एरे, इसने बिल्कुल सेम पता क्या काम किया, इसको एक काम छोटा सा कर दिया। अब ये काम आप, ये फंक्शन ना होता तो आप क्या करते, इसने क्या कर दिया कैरेक्टर एरे बनाई, उसके इंडेक्स नंबर जीरो पे बी, वन पे एल, यू, ई, जे, ऐसे स्टोर कर, जीरो वन टू थ्री फोर। सपोज ये फंक्शन अगर अवेलेबल नहीं होता तो आप करते एल इक्वल टू एस टी आर डॉट लेंथ, फिर आप करते कैर सी एच इक्वल टू न्यू कैर एल, तो आप इस साइज की एक एरे बनाते हैं। फिर आप क्या करते इंडेक्स नंबर का लूप लगाते हैं जीरो टू लेस देन एल, फिर आप लिखते सी एच आई इक्वल टू एस टी आर डॉट कैर एट आई। इतना करने के बाद आपकी ये स्ट्रिंग के एलिमेंट एरे में ट्रांसफर हो जाते करेक्टर एरे के, बट ये फंक्शन ने आपको ये काम करना आसान कर दिया। तो कभी आपको जरूरत पड़ती है कि स्ट्रिंग के एलिमेंट को करेक्टर एरे में डालें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सेइंग जस्ट चेक सी एच जीरो इक्वल टू कैरेट फोर एस टी आर डॉट कैरेट फोर, जीरो पे आपका बी है और कैरेट फोर पे क्या होगा जे होगा, तो बी और जे सेम नहीं है इसलिए आंसर आएगा फॉल्स।